अभी डी मार्ट के पास से हमको ये पार्क मिला, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। ला 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 ला। डी मार्ट से निकलने के बाद इस पार्क में आए हम, जिसका नाम है वृंदावन पार्क। बहुत अच्छा पार्क है, सुनने से ऐसा दिखाई देता है। फिर इधर बच्चों के लिए, सबके लिए जिम्स होता है, जिम। और फिर हम आगे जाएंगे, मिडिल से नहीं जा रहे हैं। सेम वही फोर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिम का अलग, वॉक का अलग, और ये वॉकिंग ट्रैक बना देते हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि सामने से वॉक कर रहे हैं, ऐसा बना देते हैं। और बीच में कुछ भी स्टेचू लगा देते हैं, जैसे बुद्धा का, ये महात्मा गांधी का होगा, जाके देखे। लेकिन ये दो ब्लॉक है, इसके अंदर जिम और बच्चों के लिए फिक्स कर दिया था। और बीच में ये महात्मा गांधी का स्टेचू लगा दिया। ये थोड़ा अलग है पार्क, सब पार्क से बहुत अलग है। इसके अंदर एक अलग ये बात है कि इसके अंदर लाइब्रेरी भी है, वो लाइब्रेरी है, न्यूज़पेपर और अंदर मरीपालम हाईवे से निकलने के बाद, हाईवे पे चढ़ने के बाद में लेफ्ट लेने से आ जाता है, गूगल पे सर्च मारने से मिल जाएगा वृंदावन पार्क, हर जगह मिल जाएंगे। विशाखापट्टनम में हर जगह पार्क मिल जाएंगे आपको, ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए। और एकदम जबरदस्त पेड़ों से भरा हुआ पूरा शांत वातावरण बना चाहिए।
पूरा करेंगे कल इसी मेट से। तो गाइस ये था वृंदावन पार्क, अभी हम जा रहे हैं घर। बहुत अच्छा पार्क, शानदार पार्क, लेकिन योगा करने के लिए इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ठीक है तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय।